जी, तो हम इसमें नोअर, नोन एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग, ज्ञाता क्या है, कौन है, ज्ञेय क्या है और ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। जी, तो ये बात ध्यान में आई थी कि मानव की मूल चाहना निरंतर सुख है और निरंतर सुख बराबर ज्ञान समाधान, और समाधान को फैलाते हैं तो 9 बिंदु दिखाई देते हैं, ज्ञान, विवेक, विज्ञान, व्यवहार, कार्य, व्यवस्था, भागीदारी, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा, इन सब की स्पष्टता। तो उसमें अभी हम ज्ञान को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जी, तो ज्ञान का मतलब है वास्तविकता को जैसा वैसा देखना। एक बार पूरी स्लाइड लगा दीजिएगा। तो ज्ञाता कौन है, मैं हूँ, ज्ञेय क्या है, पूरा अस्तित्व, और ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, चिंतन, बोध, अनुभव में जागृत होना। तो चिंतन की वस्तु स्वभाव के रूप में दिखाई देती है, बोध की वस्तु स्वयं में व्यवस्था के रूप में यानी धर्म के रूप में दिखाई देती है, अनुभव की वस्तु अस्तित्व के रूप में संपृक्तता के रूप में दिखाई देती है, संबंध व्यवस्था और अस्तित्व, यही ज्ञान का मुद्दा है जिसमें हमें जागृत होना है। जी, नेक्स्ट लगाइएगा भैया। हाँ, ज्ञान की वस्तु के रूप में देखें तो समुच्चय अस्तित्व है, और उसमें देखें तो मानव का ज्ञान हो जाए, अस्तित्व का ज्ञान हो जाए, और अस्तित्व में मानव की भागीदारी का ज्ञान हो जाए, इतना ही करने काम है। तो हमने पहले भी देखा है कि मैं ही दृष्टा हूँ, यानी मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही देखने वाला हूँ, मैं ही समझने वाला हूँ, मैं ही जानने वाला हूँ, शरीर साधन मात्र है, तो मैं ही ध्यान देता हूँ, ध्यान देता हूँ तो समझता हूँ, और जब मैं अब शब्द प्रयोग करता हूँ देखने का, दृष्टा होने का, तो मैं रूप और गुण का सिर्फ दृष्टा नहीं हूँ, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, परम धर्म, इन सबका दृष्टा हूँ। और ये भी दिखता है कि रूप और गुण तो बदलते रहते हैं, स्वभाव, धर्म और परम धर्म, इनकी निश्चितता है, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है, और यही ज्ञान की वस्तु है। जी, इसी क्रम में हमने देखा था कि अगर चयन आस्वादन के स्तर पर देखें तो हम सिर्फ इकाई के रूप को देख रहे हैं, तुलना विश्लेषण के स्तर पर देखें तो हम गुण को देख पा रहे हैं, चिंतन और चित्रण के स्तर पर हम संबंध को, भागीदारी को देख पाते हैं, बोध और संकल्प के स्तर पर हम स्वयं में व्यवस्था को, धर्म को देख पाते हैं, और अनुभव प्रमाण के स्तर पर हम सहस्तित्व को देख पाते हैं, और देखने वाला मैं हूँ, ये सारी क्रियाएं मुझ में ही हैं, ये 10 क्रियाएं हैं ये मुझ में ही हैं, इतना ही है कि मैं इन क्रियाओं को जागृत कर पा रहा हूँ कि नहीं, इनका सदुपयोग कर पा रहा हूँ कि नहीं, है ना। जी, तो ज्ञेय के रूप में देखें जो जानने की वस्तु है, तो मानव का ज्ञान, अस्तित्व ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण का ज्ञान, यानी अस्तित्व में मानव की भागीदारी का ज्ञान। तो जो फॉर्मुलेशन किया गया है ये मानव के होने को और मानव के जीने को केंद्र में रखकर किया गया है। यदि हम प्रोसेस ऑफ नोइंग, ज्ञान की प्रक्रिया को देखें, तो जब हम अस्तित्व को जानने जाते हैं, समझने जाते हैं, तो उसमें दिखता है कि सबसे पहले स्वयं को समझना जरूरी है, क्योंकि मैं ही जानने वाला हूँ, मैं अपने बारे में स्पष्ट हो पाता हूँ, कभी मैं शेष प्रकृति के बारे में, अस्तित्व के बारे में भी स्पष्ट हो सकता हूँ, है ना। इसलिए अपने ज्ञान से शुरू करेंगे। बल्कि चर्चा में ये बात आई थी, देखिए अपने आप को जब हम जानते नहीं तो खुद में जो कंफ्यूजन्स, मान्यताएं जो रहती है वो बाहर की इकाइयों पर हम आरोपित करते हैं। तो थोड़ा सा ये समझने में मुझे दिक्कत, आरोपित करते हैं मतलब कैसे इसको मैं समझूं? मतलब यदि हमने अपने बारे में कोई भ्रम बनाया हुआ है, कोई मान्यता बनाई हुई है, तो अगले को भी वैसे ही देखेंगे, जैसा अगर हमने अपने आप को शरीर माना हुआ है तो अगले को भी शरीर मानकर ही विचार करेंगे, अगर हमने सुविधा को सुख माना हुआ है तो अगले के सुख की जब व्यवस्था करते हैं तो सुविधाओं के अर्थ में ही करते हैं, अगर हमने संबंध के स्थान पर विरोध माना हुआ है तो हमारे निर्वाह में विरोध का भाव चलता रहता है, तो कई लोग होते हैं जिनके प्रति हम विरोध का भाव बना रहते हैं और फिर हम उनके इंटेंशन को नहीं देख पाते, उनकी योग्यता कमी को देखकर उनके साथ विरोध का निर्वाह करते रहते हैं, यही आरोपित करना हुआ। तो ज्ञान की प्रक्रिया के रूप में देखें तो दिखता है कि चिंतन, बोध, अनुभव में जागृत होना, यही ज्ञान है। इसी से मेरे अंदर
सही समझ सही भाव सुनिश्चित होता है। तो इससे हमें संबंध की व्यवस्था की सहस्तित्व की स्पष्टि हो पाती है, और इसको जब हम अपने आप को सुनिश्चित करने जाते हैं तो पूरे अस्तित्व की व्यवस्था की स्पष्टता हो पाती है। तो अनुभव सहस्तित्व का होना है, बोध स्वयं व्यवस्था का, चारों अवस्थाओं की जो स्वयं व्यवस्था है उसका होना है, और चिंतन भागीदारी का संबंध का होना है। एक प्रश्न है, व्हाई वी कंप्लेन क्रिटिसाइज कंडेम कंपेयर, तो इसलिए क्योंकि अगर हमें स्पष्टता नहीं होती है, जो नौ बिंदुओं की बात हुई, तो हमारे अंदर शिकायत बना रहता है। एक बार हमें ये दिख जाए कि मेरे सुख दुख का आधार मेरी कल्पनाशीलता है और मेरी कल्पनाशीलता में सारा निर्णय मेरा है, तो फिर हम दूसरे के प्रति शिकायत नहीं रखते, अपने ऊपर काम करते हैं। जी, तो जानने की प्रक्रिया में देखें तो अनुभव की वस्तु क्या है, सहस्तित्व। सहस्तित्व का मतलब क्या है, मुझे पूरा दिख जाए कि प्रकृति शून्य में संपृक्त है, पूरी की पूरी प्रकृति शून्य में संपृक्त है। तो शून्य क्रिया शून्य है, असीम है, व्यापक है, इकाइयों के समूह को प्रकृति कह रहे हैं। ये सारी इकाइयां शून्य में बने रहते हुए ऊर्जित हैं, नियंत्रित हैं, परस्परता को पहचानती हैं, निर्वाह करती हैं, आधार में शून्य बना हुआ है, ये बात मुझे दिख जाए। तो हर क्रिया के ऊर्जित, नियंत्रित और परस्परता में भागीदार होने में क्रिया शून्य आधार में बना हुआ है, ये बात मुझे संपूर्णता में दिख जाए। तो जब अगर इकाइयों की बात करें तो कोई भी इकाई ले लें, उनको दिखता है कि हाँ वो ऊर्जित है, जैसे मेरा शरीर ऊर्जित है, मैं ऊर्जित हूँ। अब ये उस ऊर्जा का बने रहने का आधार क्या है, कैसे ऊर्जित है, तो दिखता है शून्य में बने रहते हुए। वैसे मैं नियंत्रित हूँ, शरीर नियंत्रित है, शरीर की अपनी एक व्यवस्था है, मेरी भी व्यवस्था है, इस प्रकार से है। तो जैसे ही मैं अपने अंदर कोई अनर्गल भाव विचार करता हूँ, मैं दुखी परेशान होता हूँ। अगर मैं अपने अंदर ज्ञान सुनिश्चित नहीं करता, मैं दुखी परेशान होता हूँ। तो मेरे अंदर ज्ञान को सुनिश्चित करने की प्रेरणा बनी रहती है, सुखपूर्वक जीने की आशा बनी रहती है, संबंध पूर्वक मैं जीना ही चाहता हूँ, व्यवस्था पूर्वक जीना ही चाहता हूँ। ये जो मेरी चाहना है ये किस प्रकार बनी हुई है, तो उसको जब देख पाते हैं तो दिखता है कि शून्य में बने रहते हुए मैं नियंत्रित हूँ। मैं शून्य में हूँ तो मेरे अंदर ये चाहना होगी ही, है ना। वैसे ही मैं परस्परता में भागीदार हूँ, ये शरीर भी परस्परता में भागीदार है, मेरी एक एक क्रियाएं दूसरी क्रियाओं के साथ परस्परता में भागीदार है, मैं शरीर के साथ भागीदार हूँ, मैं आपके साथ भागीदार हूँ। किस प्रकार शून्य बने रहते हुए, शून्य पारदर्शी है, शून्य के माध्यम से हर इकाई के साथ संबंध मुझ में प्रतिबिंबित होता है, मैं उसको देख पाता हूँ और संबंध को मैं निर्वाह कर पाता हूँ। जब तक नहीं देख पाता उल्टा पुल्टा निर्वाह करता हूँ, देख पाता हूँ सही निर्वाह करता हूँ। तो यदि हम सेल्फ को देखें एज ए यूनिट, तो दिखता है कि मैं शून्य में एक चैतन्य इकाई के रूप में बना हुआ हूँ। शून्य बने रहते हुए मेरे अंदर क्रियाएं हो रही हैं, इच्छा विचार आशा क्रियाएं हो रही हैं और ये निरंतर हो रही है। शून्य बने रहते हुए मैं नियंत्रित हूँ, मेरी स्वयं में एक व्यवस्था बनी हुई है। शून्य में रहते हुए ही मैं दूसरी इकाइयों के साथ परस्परता को पहचान पाता हूँ, निर्वाह कर पाता हूँ। अगर मैं इसको ठीक ठीक पहचानता हूँ मैं सुखी होता हूँ, ठीक ठीक नहीं पहचानता मैं दुखी होता हूँ। अगर ये बात मैं देख पाता हूँ संपूर्णता में, तो फिर उसका प्रमाण मुझे मिलता है और फिर मैं उसके साथ ही जीता हूँ। तो इस संपृक्तता के अनुभव के साथ मेरी सारी क्रियाएं उसी अर्थ में सज जाती हैं, जो अभी आंशिक रूप से जागृत हुई थी, विकसित हुई थी, अब उनमें पूर्णता आ जाती है, ये स्वयं में प्रमाण मिलता है। ऐसे ही मैं जब जीता हूँ तो मुझे परस्परता में भी प्रमाण मिलता है। शरीर के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठीक जीता हूँ, शरीर को साधन के रूप में देखते हुए, दूसरे मनुष्य के साथ संबंध को देखते हुए, ये जो मिट्टी हवा पानी पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, इनके साथ अपने संबंध को पूरकता को देखते हुए, नित्य वर्तमानता को देखते हुए, अब इसका प्रमाण मुझे मिलता है। और मुझे दिखता है कि जितने भी मेरे दुख थे वो सब मेरे बनाए हुए थे, अज्ञान में, नासमझी में, जो जैसा उसको वैसा मैं नहीं देख पा रहा था, अज्ञान में था, देख पाया तो मैं सुखी हुआ। सुखी होने का मतलब क्या है, मैं कैसी स्थिति में हूँ जिसमें मैं निरंतर बने रहना चाहता हूँ। अभी हम वैसी स्थिति में नहीं होते जिसमें हम निरंतर बने रहना चाहते हैं, उससे बाहर निकलने का प्रयास करते। तो अभी तो हम ठीक से सुखी होने का भी प्रयास नहीं करते। अगर हम ठीक से देखें
एनालाइज करें तो हम सुखी होने का भी प्रयास नहीं करते, हम दुख से बाहर निकलने का ज्यादातर प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति बन पाती अनुभव के बाद, मैं निरंतर सुखी स्थिति में रहता हूँ। एक ही बात हम कह रहे हैं, तो जब भी बैठते हैं और किसी भी काय के स्वभाव धर्म परम धर्म को देखने का प्रयास करते हैं, तो जो यहाँ पे हम बात करते हैं स्वभाव की, धर्म की, परम धर्म की, मतलब वो सिर्फ विचारों में ही घूमती है उसको। मतलब हर इकाई का रूप मैं देख पाती हूँ, फिर गुण भी थोड़ा सा देख लेती हूँ, लेकिन स्वभाव धर्म परम धर्म में, मतलब जो बात यहाँ लिखी हुई है वो मानने में हो गई है, तो फिर वो उसको वैसा ही बस मान लेती हूँ, वो दिखती नहीं है। तो उसके लिए क्या कैसे मतलब देखना है भैया जी? तो उसमें ये है कि सहज स्वीकृति तो उसके प्रति बनी रहती है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मानने में जी रहे हैं। एक मानने और जांचने के बीच के, जानने के बीच की जो स्थिति है, जांचना, अभी हम उसमें भी एक्टिव रहते हैं। तो मानने से जानने की ओर जब जा रहे हैं, उस प्रक्रिया में हम जांच रहे हैं, यानी अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान दे रहे हैं। तो मैं संबंध को सहज रूप से स्वीकारता हूँ, उसको मैं देखने का प्रयास करता हूँ। व्यवस्था को सहज रूप से स्वीकारता हूँ, उसको देखने का प्रयास करता हूँ। तो जांचने क्रम में मानने से जानने की ओर मेरा ट्रांजिशन होता जाता है। तो हम अभी भी मानना तो कर रहे हैं बट जांचना भी कर रहे हैं। तो जांचने का मतलब कि जो मुझ में जानने की क्षमता है उसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, और उस क्रम में मैं अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान दे रहा हूँ। तो भले मैं संबंध को देख नहीं पाया हूँ संपूर्णता में, व्यवस्था को देख नहीं पाया हूँ, स्थिति को देख नहीं पाया हूँ, परंतु उसके प्रति सहज स्वीकृति बनी हुई है, उस पर ध्यान देता हूँ तो स्पष्ट होने लगता है। मतलब ये धीरे धीरे मतलब स्पष्ट होगा ऐसा भी है? मतलब जब भी बैठेंगे तो विचार करेंगे तो विचारों में तो वो सब ठीक लगता है और वो ही दिखता है, और फिर लेकिन वो अंदर मतलब जानने में आ गया वैसा नहीं लगता। जी, तो एक तो विचारों में ठीक लगता है, दूसरा हम पूछते हैं अपने आप से कि चाहता क्या हूँ। जी भैया, चाहने में भी दिखता है लेकिन फिर वो जीने में कैसे आएगा? जीने में इसी प्रक्रिया से आएगा, जब मैं चाहने को देखता भी हूँ, अपने आप से पूछता हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ। तो एक शब्द मैंने सुना है, संबंध पूर्वक जीना चाहता हूँ। संबंध पूर्वक जीने में क्या चाहता हूँ, एक समय के बाद मैं रुक जाता हूँ वहां पर। मैं फॉर एग्जाम्पल थोड़ा और आगे बढ़े, मैं सुखी करना चाहता हूँ। सुखी करने का क्या अर्थ है, क्या चाहता हूँ मैं? अब वहां पर हो सकता है मैं रुक जाऊँ, सुख क्या है ये स्पष्ट नहीं है। तो ये जब चाहने को भी देखने जाते हैं तो एक सीमा के बाद हमारी गति रुक जाती है, हम पेनिट्रेट नहीं कर पाते उस, है ना, वास्तविकता तक। हम वहां तक अपने पैनापन के साथ देख नहीं पाते, दृष्टि के पैनापन के साथ देख नहीं पाते। तो उसके किसी पॉइंट पर जाकर, ये हम सबके अपनी अपनी गति और स्थिति के ऊपर निर्भर है, किसी पॉइंट पर जाकर हम लौट आते हैं अपनी कल्पनाशीलता में ना, हमको लगता है भारी पड़ रहा है, हम वहाँ ड्रॉप कर देते हैं। तो वहाँ पे फिर हम वापस मानने में कुछ आ जाते हैं, फिर आप देखेंगे मानने में बहुत सारा विचार चलने लगता है। बट यदि हम उसको अपने आप से पूछें उसी क्षण में, उसी, है ना, स्थिति में कि मैं चाहता क्या हूँ, और यदि रुके नहीं, देखते चले जाएं, तो दिख जाएगा। जब दिखेगा तो इसी विधि से दिखेगा कि मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं वहां पर। तो अभी किसी पॉइंट पे जाकर रुक जाते हैं, जैसे मैं सुखी करना चाहता हूँ, इसको देखा भी तो हमें स्पष्ट नहीं मैं क्या हूँ, पता नहीं सुख क्या है, पता नहीं चाहना क्या होती है, पता नहीं। अब वो टास्क बहुत बड़ा लगता है। तो जब हम भागीदारी को देखने जाते हैं तो स्वयं में व्यवस्था को देखना बनता है। जैसे सुख, जब तक ये स्पष्ट न हो कि सुख होता क्या है, तो मैं सुखी करना चाहता हूँ ये भी स्पष्ट नहीं होता। तो किसी पॉइंट पे जब वो ऊपर की जागृति की जरूरत बनती है और वो नहीं है हमारे में, वो अवेकनिंग नहीं हुआ है, तो हमको कठिन काम देने लगता है। और चूंकि मुझे ही करना है और मेरे लिए हो सकता है उस समय फिर प्रायोरिटी बदल जाती है। तो किसी पॉइंट पे जाकर मैं अपने आप को रोक लेता हूँ, ठीक है अभी इस क्षण के लिए इतना ही बहुत है, कुछ विचारों में कल्पनाशीलता में लौट आता हूँ। जी, तो ये आप पाएंगे कि मतलब धीरे धीरे मैं उसको और अपने आप में बारीकी से देखने लगता हूँ, तो जो दृष्टि का पैनापन है देखने का वो और ना बारीक होता जाता है। जैसे ये कह दिया भाई संबंध पूर्वक जीना चाहता हूँ, तो एक मोटा मोटी कहा ग्रॉस लेवल पे, संबंध पूर्वक जीने की चाहना क्या है उसको देखा, तो थोड़ी बारीकी आई। उसमें भी एक एक मुद्दे पे जाके एनालाइज करना
और उसको फिर जांचना शुरू किया, एक एक भाग को देखना शुरू किया, वहां पर मैं क्या चाहता हूँ। तो मेरा अपना होना ही अगर मुझे स्पष्ट नहीं है, मैं फिर लौट आता हूँ। सुख क्या स्पष्ट नहीं, मैं फिर लौट आता हूँ। तो फिर वहां पे प्रेरणा बनती है कि इसको भी देखा जाए, मेरा होना क्या है। तो इस विधि से आगे बढ़ते हुए हमारी गति बनती जाती है प्रक्रियाओं में। किसी पॉइंट पे ऐसी स्थिति आती है कि मुझे पूरी व्यवस्था स्पष्ट है, संबंध स्पष्ट है, परंतु उसका आधार स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में जाकर फिर मैं उसके आधार को देख पाता हूँ, तो अनुभव की स्थिति बनती है। उसके पहले मैं इन्हीं को देखने में है ना समय लगाता हूँ, और उसके पहले देखें तो मैं इनके लिए कल्पनाशीलता में विचार कर रहा हूँ। उसके और पहले देखें तो मैं एक आशा रखता हूँ अपने आप में कि हाँ ये बहुत अच्छी बात लग रही है, अगर ऐसा हो जाए, मेरा जीना ऐसा हो जाए, समझ में आ जाए, तो बड़ा अच्छा हो जाए, सुखपूर्वक जीना हो जाए, रोज का जो दुख है, झंझट है, समस्या, इससे मैं निकल पाऊंगा, तो आशा बनी हुई है। तो हम अपने आप में भी देखें, दिन के एक पहर में हम आशा के स्तर पर ज्यादा होते हैं, किसी पहर में विचार ज्यादा कर रहे होते हैं, किसी पहर में हम भाव के स्तर पर ज्यादा एक्टिव होते हैं, किसी समय हम जांचने के लिए ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये सारा अपने में वेरिएशन दिखाई देगा दिन भर में। जी भैया, मतलब अभी तो विचारों में ही चला रहे हैं। एक बात है भैया, कहीं किसी जाते लेवल पे रुक जाते हैं, आगे समझ नहीं आता जी, मतलब उसमें भी मतलब अपना दृष्टा भाव में बने रह के आगे आगे मतलब जितना खुद से एक्सप्लोर करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो आगे की गति बनेगी ऐसा जी। और क्वेश्चन पूछते समय भी हमें देखना है कि क्वेश्चन मैं क्या पूछ रहा हूँ, जैसे वो वस्तु क्या है, उस वस्तु के साथ मेरा संबंध क्या है, मेरी भागीदारी क्या है, इसको लेके मैं पूछ रहा हूँ, या किसी घटना को लेकर मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ। तो कई बार ये होता है कि हम वास्तविकता को और वास्तविकता के नियम को लेकर अपने आप से प्रश्न नहीं कर रहे होते, घटनाओं को लेकर कर रहे होते, तो उसमें फिर कोई समाधान नहीं निकलता है। हाउ डज एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल ऑर्डर अंडर द कैटेगरी ऑफ इनेटनेस डिफरेंट फ्रॉम टर्म एग्जिस्टेंस एज स्पेस। अस्तित्व मतलब इकाई बनी रहती है, पूरा अस्तित्व बना हुआ है, उस अस्तित्व में हर इकाई भी बनी हुई है, क्रिया शून्य बना हुआ है, क्रिया भी बनी हुई है, क्रिया का लोप नहीं है, क्षय नहीं है, ये बात कही जा रही है। जब अस्तित्व कह रहे हैं पदार्थ के धर्म के रूप में, उसका मतलब यही कि पदार्थ की हर इकाई, हर परमाणु बना रहता है, वह क्रिया बनी रहती है, उस क्रिया का क्षय नहीं है। गुरपाल भैया का प्रश्न है, गिव एट लीस्ट टू एग्जांपल्स फॉर सुख की ओर काम करना वर्सेस दुख से दूर जाने। If I do working forward to get citizenship of Australia, what is this? Attending morning meetings, what is this? Can we both as well, सुख की ओर या सुख से दूर जाना, दुख से दूर जाना, sorry। हाँ, तो ये आप पाएंगे कि जब कोई आप कल्पना कर रहे हैं तो आपकी कल्पना में चल क्या रहा है। तो जैसे किसी समस्या में हूँ, फॉर एग्जाम्पल भारत में रह रहा हूँ और जिस परिवार में रह रहा हूँ, जिनके साथ मिलजुल कर रहा हूँ, उदाहरण के लिए वहाँ बहुत तनाव है, समस्या है, और एक आशा बनी हुई है कि यहाँ से निकल जाए, एक बार इस घर से बाहर निकल जाए, देश से बाहर निकल जाए, तो लाइफ बन जाएगी। तो मैं दुख से निकलने के लिए फिर विचार कर रहा हूँ, क्योंकि दुख है केंद्र में, उस दुख का विचार कर रहा हूँ, और मुझे लगता है उपाय यही कि यहाँ से निकल जाऊँ। एक दूसरी स्थिति हो सकती है कि मुझे लगता है कि मैं संबंध पूर्वक जीना चाहता हूँ, व्यवस्था पूर्वक जीना चाहता हूँ, और मैं यहाँ सबके साथ तो संबंध पूर्वक जी पा रहा हूँ, बट विश्व भर के लोगों के साथ संबंध पूर्वक नहीं जी पा रहा हूँ। फिर मैं उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया जाने का विचार कर सकता हूँ, कनाडा जाने का विचार कर सकता हूँ, यूरोप जाने का विचार कर सकता हूँ, कि क्यों ना धरती अखंड हो जाए, समाज में अखंडता आ जाए, है ना, पूरी प्रकृति में, पूरे विश्व में सार्वभौम व्यवस्था हो जाए, तो भी एक बात हो सकती है। ये सुखपूर्वक जीने की कामना करना है, कल्पना करना हुआ, जब मैं संबंध व्यवस्था अस्तित्व के रूप में विचार कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर यहाँ से निकलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ तो ऐसा ही है। इसमें एक संभावना ये भी है कि सुख के बारे में मान्यता बनी हुई है, कोई वो मान्यता गलत भी हो सकती है, तो उसकी आशा में भी विचार कर रहा हूँ, तो अभी देख सकते हैं कि मतलब उसमें ये भाग तो बना ही रहेगा कि कहीं ना कहीं अभी हम दुखी हैं, इसलिए सुख की आशा में कुछ नया विचार कर रहे हैं। जैसे अगर मतलब ये बात हम अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने दिनचर्या में भी देख सकते हैं। अब जैसे मॉर्निंग मीटिंग हम अटेंड कर रहे हैं तो हमें ज्ञान समाधान सुनिश्चित हो जाए, इसके लिए अटेंड कर रहे हैं तो एक बात है, सुखी होने के लिए बस,
अभी बहुत दुख समस्या में हूँ, तनाव में हूँ, परेशानी में हूँ, उससे निकलने के लिए उपाय है ये, यह अलग बात हो गई। तो अभी हमारे अंदर दोनों तरह की कल्पना हो सकती है, किसी भी कार्यक्रम को करते हुए दोनों तरह की कल्पना हो सकती है, दुख से निकलने का भी और सुखपूर्वक जीने का भी। ये एक प्रश्न है, कौन सा रिलेशनशिप प्योर है और ट्रू है? देखिए, रिलेशनशिप प्योर और ट्रू ही होता है। संबंध को जब शरीर के स्तर पर, मान्यताओं के स्तर पर देखते हैं, सुविधाओं के स्तर पर, तो उसमें फिर इम्प्योरिटी आ जाती है, अदरवाइज संबंध तो प्योर ही है। मैं शून्य के माध्यम से इस प्रकृति की हर इकाई से संबंधित हूँ, है ना, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। परंतु जब मैं इसको नहीं देख पाता हूँ कि कैसे शून्य बने रहते हुए परस्परता में बना हुआ हूँ, निर्वाह कर रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, तो फिर मैं इम्प्योरिटी ले आता हूँ। तो इम्प्योरिटी बेसिकली हमारे अपने अज्ञान से संबंध में नहीं है। अगला व्यक्ति भी अपने अज्ञान में इम्प्योरिटी के साथ जी रहा है, हम भी अपने अज्ञान में इम्प्योरिटी के साथ जी रहे हैं, बट संबंध तो प्योर ही है, व्यवस्था तो प्योर ही है, सहस्तित्व तो प्योर ही है। एक प्रश्न भाई, भाव तो हर समय रहता ही है, ऐसा है क्या या ऐसा नहीं है? हाँ, भाव रहता है, परंतु हम जी किस स्तर पे रहे, तो हो सकता है हम आशा के स्तर पे जी रहे हैं, बाहर से कुछ मिल जाए, अनुकूल मिल जाए, है ना, खा पी के सुखी हो जाए, दूसरा हमको नमस्ते कर ले, पहचान ले, नाम ले ले, उससे हम सुखी हो जाए, तो आशा के स्तर पे जी रहे हैं, हम इसे विचार कर रहे हैं, तो भाव वहां भी बना हुआ है, सुखपूर्वक जीने की आशा भी बनी हुई है, बट भाव के स्तर पे नहीं जी रहे, क्योंकि तो पूरा ध्यान बाहर की ओर है। वैसे हम विचार कर रहे हैं कि आज शाम को अगर कुछ चटपट खाना हो, है ना, तो क्या करना होगा, तो भी ऑफिस से लौटते समय मार्केट जाएंगे, वहां से ये कुछ चीजें खरीदेंगे, अगर ऐसा ऐसा कर लेंगे, है ना, तो शाम को चटपट खा पाएंगे, नहीं तो आज का शाम भी फीका चला जाएगा। विचार के स्तर पे जी रहे हैं, भाव के स्तर पे जी रहे होते हैं, तो फिर हम संबंध, व्यवस्था, अस्तित्व को भाव के स्तर पर देखने का प्रयास करते हैं, या कम से कम अपने भाव के प्रति सजग होने का प्रयास करते हैं। जी, वास्तविकता और घटनाओं को देखें तो जैसे संबंध वास्तविकता है, परंतु संबंध में जो मैंने व्यवहार किया वो घटना है। किसी देश, काल, दिशा में मैंने कोई व्यवहार किया, तो सुबह हमने अपने घर के सदस्य से कोई बात कही, वो घटना है। संबंध तो बना हुआ था, सुबह भी बना हुआ है, दोपहर में भी बना हुआ है, रात भी बना रहेगा, कल भी बना रहेगा, तो ये घटना है जो हम व्यवहार कर रहे हैं। अगला व्यक्ति भी जो व्यवहार कर रहा है वो घटना है। नहीं, वैसे आगे देखें तो व्यवस्था के ज्ञान का क्या मतलब हुआ? तो प्रकृति में व्यवस्था है, इसका मुझे बोध हो जाए, हर अवस्था की स्वयं में व्यवस्था जो धर्म है उसका बोध हो जाए। तो प्रकृति को देखते हैं तो दिखता है चार अवस्थाओं में है, और इन सब की स्वयं में एक निश्चित व्यवस्था बनी हुई है, इस पर हमने काफी चर्चा भी की, और इसको मैं देख सकता हूँ अपने अंदर, मैं ध्यान देता हूँ तो दिखता है। ये जब मैं अपने आप में देख पाता हूँ स्पष्ट रूप से, तो मेरे अंदर जो स्थिति बनती है उसको आनंद कहा। जब मैं इसको देख पाता हूँ तो मेरे अंदर सहज रूप से निर्णय होता है कि इस पूरी प्रकृति की व्यवस्था को देखते हुए, जानते हुए मुझे जीना है, तो मेरी पूरी कल्पनाशीलता उसी रूप में सजती है, उसी रूप में व्यवस्थित होती जाती है। ये संकल्प हुआ। जब मैं, है ना, शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न चैतन्य कहा, तो शरीर के साथ मुझे कैसे जीना है? ये मिट्टी, हवा, पानी को देखो तो इसमें चैतन्यता नहीं है, पेड़ पौधों में चैतन्यता नहीं है, इन इकाइयों में चैतन्यता नहीं है, तो उनके साथ मुझे कैसे जीना है? जिनमें चैतन्यता है उनके साथ मुझे कैसे जीना है? पशु पक्षियों के साथ कैसे जीना है? मानव के साथ कैसे जीना है? तो इनकी जब व्यवस्था स्पष्ट होती है कि ये है क्या, तो पूरी कल्पनाशीलता भी उसी रूप में तैयार होती है। ठीक है, अब तो मुझे दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना, अब मैं गड़बड़ी नहीं करूंगा, अब मेरे कल्पनाशीलता में चूक नहीं होगी। ये कल्पनाशीलता का संयमित हुआ, नियंत्रित होना हुआ, ये संकल्प है, ये जो निर्णय हुआ हमारे अंदर संपूर्णता के अर्थ में, ये संकल्प है। और इसके साथ मैं प्रकृति की हर अवस्था की, हर इकाई की स्वयं में व्यवस्था को देखते हुए ही अब मैं जीने का निर्णय लेता हूँ। जहाँ संरक्षण की जरूरत है संरक्षण करता हूँ, जहाँ संवर्धन की जरूरत है संवर्धन करता हूँ। जी, तो ये
मुझे बोध के स्तर पे दिखाई देता है। तो आगे चलते हैं, चिंतन के स्तर पे मुझे भागीदारी स्पष्ट होती है। तो दिखता है कि हर इकाई की अस्तित्व में एक निश्चित भागीदारी है, एक निश्चित है ना उसमें संबंध में जुड़ा हुआ है। इस भागीदारी को मैं देख पाता हूँ, इस संबंध को मैं देख पाता हूँ, इसको चिंतन का। और देखने का मतलब कि बिना किसी संशय द्वंद अंतर विरोध अंतर द्वंद है ना शंका ऐसा कुछ भी शेष नहीं रहता, दिख ही जाता है कि ऐसा ही है ना। जैसे कुछ चीजों को हम अभी देख पाते हैं, हाँ भाई मैं सुखी होना चाहता हूँ, उसको हम देख पाते हैं सुख क्या है भले स्पष्ट नहीं है। वैसे मैं थोड़ा सा और ध्यान देता हूँ, देख पाता हूँ मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, परंतु हो सकता है इसमें कुछ अपने अंदर और विचार करना पड़ रहा है। वैसे किसी पॉइंट में ये भी देख पाता हूँ दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, उसका स्वभाव ही यही है कि मुझे सुखी करना चाहता है, मेरा भी स्वभाव ही यही है कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, ये मुझे दिखता है। अब मेरे मुझे इसके लिए कोई विचार नहीं करना पड़ता अलग से, ये मुझे स्पष्ट है अपने आप में, ये दिखने का मतलब हुआ। तो मानव के बारे में अगर बात करें है ना, तो मैं ये देख पाता हूँ कि मेरी इस अस्तित्व में भागीदारी क्या है। जो मेरे से बड़ी व्यवस्था है, परिवार में हूँ, परिवार में मेरी भागीदारी क्या है। स्वयं में ही अगर बात करें, मेरी क्रियाओं की आपस में भागीदारी क्या है। ऐसा तो नहीं कि मेरी एक इच्छा दूसरी इच्छा के विरोध में खड़ी है, इच्छा विचार के विरोध में खड़ा है, विचार में भी बहुत सारे द्वंद चल रहे हैं। जब मैं तुलना कर रहा हूँ अपने आप में, तो उसी में बहुत सारे विकल्प बने हुए हैं और उनको लेकर मेरे अंदर झंझट उलझन बना हुआ है। एक आस्वादन दूसरे आस्वादन के विरोध में खड़ा है, तो ऐसा नहीं, तो मैं क्रियाओं के भी आपस में भागीदारी देख पाता हूँ। शरीर के साथ भागीदारी देख पाता हूँ, परिवार में मैं भागीदारी देख पाता हूँ, समाज में, प्रकृति में, अस्तित्व में भागीदारी देख पाता हूँ, है ना। तो इससे मुझे अपना मूल्य समझ में आता है। मूल्य का मतलब मौलिकता, मौलिकता का मतलब जो मेरी भागीदारी है। तो यदि हम मानव के साथ परस्परता में देखें, परस्परता में हमारी भागीदारी किस प्रकार है, तो परस्पर पूरकता के अर्थ में, उभय सुख के अर्थ में, तो ये बात को अगर मैं देख पाता हूँ तो मुझे दिखता है कि सुख क्या है ये भी मुझे स्पष्ट है। व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, यानी चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना, ये मेरा सुख है, अगले व्यक्ति का भी यही सुख है। तो मेरी भागीदारी जब भी होती है, जब भी व्यवहार करता हूँ, अगले व्यक्ति में चिंतन बोध अनुभव जागृत हो जाए, इसी अर्थ में मैं भागीदारी करता हूँ। और ये भागीदारी मेरे सिर्फ एक दो परिचय के लोग हों, परिवार के लोग हों, वहां तक नहीं है ना। व्यवहार करता हूँ तो उसमें यही बात होती है कि अगले में चिंतन बोध अनुभव जागृत हो जाए, है ना, उसके आधार पर ही मैं निर्णय लेता हूँ। तो ये मेरा जीना अखंडता के अर्थ में हो जाता है। अब परिवार और पड़ोसी के बीच में भी खंड नहीं रहा। तो जो बात हो रही थी कि अब मैं जो अपने बच्चे को भी देखता हूँ तो पूरी अगली पीढ़ी दिखाई देती है, उस अगली पीढ़ी के साथ अपने बच्चे को देखता हूँ, वहां भी कोई खंड नहीं रहा, इतनी अखंडता के साथ। तो अब संबंध का भाव हर मनुष्य के साथ फैला हुआ है, मैं प्रेम के भाव में जी रहा हूँ, है ना, ऐसी स्थिति मेरी बन जाती है। इस विकास के क्रम में, इस विकास के क्रम में, इस जागृति क्रम में मेरी जो भागीदारी होती है वो धीरे धीरे अखंडता तक जाती है, प्रेम के भाव तक जाती है, संबंध का भाव जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और फिर मैं अखंड समाज में भागीदार हो जाता हूँ। और ये सारे भाव विश्वास सम्मान में मुझ में चिंतन में स्थापित होते हैं। तो ये जो चिंतन है इसको स्थिति क्रिया कहा, क्योंकि यहाँ पे स्थापित होते हैं भाव। जब तक चिंतन की क्रिया जागृत नहीं हुई है तो चित्रण में है, जो गति क्रिया है, कोई आप पाएंगे भाव स्थापित भी नहीं हो पाता। ये सही भाव स्थापित होंगे तो चिंतन में ही होंगे, और गलत भाव स्थापित हो नहीं सकता, तो वो गलत भावों को भी लेकर मैं हिलता डुलता रहता हूँ, है ना, और सही भाव मुझ में स्थापित रहता नहीं है। सर, मेरा प्रश्न था कि हम जब मन बनाने जाते हैं तो उसमें कहीं प्रयास भी, व्यवस्था भी हम बनाने की कोशिश करते हैं, पर जहां असंभव की एक शब्द आ जाता है वहां से हम फिर लौट आते हैं, वहां बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। वही तो, अभी हमारी जितनी योग्यता विकसित हुई है वहां तक हमको संभव दिखाई देता है, उसके आगे हमको असंभव लगता है,
बट जब हम अपनी क्षमता पे ठीक से काम करते हैं तो दिखता है कि मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं पूरी व्यवस्था को जैसा वैसा देख सकता हूँ, है ना, पूरे संबंध को जैसा वैसा देख सकता हूँ, अस्तित्व को देख सकता हूँ। परंतु अभी जितनी हमारी योग्यता होती है उसके अनुसार हमको आगे की संभावना लगती है, तो ठीक है, है ना, उसके आगे और काम करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए सारा मुद्दा तो ध्यान देने का ही है। जी पर सर हमने ध्यान से भी कोशिश भी करी, प्रयास करने का भी उस संबंध में व्यवस्था बनाए रखने के लिए करा, पर कहीं आके मैं रुक गई ऐसा लगा मेरे को, असंभव सा लगा, फिर मैं वहां से वापस। तो वो जो प्रश्न मेरे मन में आया कि हाँ मेरी कॉम्पिटेंसी में थोड़ा सा फर्क हो सकता था, आप सही कह रहे, मेरे को और प्रयास करना चाहिए। जी और प्रयास भी किस दिशा में करनी है, सही भाव को देखने के लिए, सही भाव को देखने के लिए, ठीक है। इसके साथ मुझे दिखता है कि मेरी इस पूरे अस्तित्व में निश्चित भागीदारी है और उसको मैं पूरा कर सकता हूँ, तो मेरी जो इच्छा बनती है अब इस भागीदारी को पूरा करने की बनती है, और इस क्रम में मेरी इच्छाएं निश्चित हो जाती हैं। और मुझे दिखता है कि ये जो सहज इच्छाएं हैं चिंतन में, तो दिखता है कि जो सहज इच्छाएं हैं मेरी, यानी जो चिंतन में स्थापित होने वाले भाव से तैयार होने वाली इच्छाएं हैं, उसके तो पूरा होने की व्यवस्था पहले से अस्तित्व में है ना। मैं सुखी करना चाहता हूँ, दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, मैं संबंध पूर्वक जीना चाहता हूँ, दूसरा भी संबंध पूर्वक जीना चाहता है, इसकी व्यवस्था तो पहले से अस्तित्व में बनी हुई है कि नहीं, तो इससे मुझे स्वयं एक संतोष का भाव बनता है ना। जब मुझे लगता है कि मेरी इच्छाएं ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो पाएंगी तो मैं असंतुष्ट महसूस करता हूँ, जब मुझे दिखता है कि ये इच्छाएं ऐसी हैं जिनके पूरे होने की व्यवस्था अस्तित्व में बनी ही हुई है तो मेरे लिए संतोष का भाव होता है। जी ये संतोष है। भैया जो अभी डिस्कशन में बात आई थी, देखिए कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ, इसको हम काफी दिनों से भी मतलब सोच रहे थे, तो यहाँ पे ये समझ में बात आ गई कि अगर मैं दूसरे को सुखी करने का सोचती हूँ या करती हूँ तो वो मुझे सुख देगा, ये अनुभव मतलब मैंने महसूस भी किया। अभी यहाँ पे ये डाउट बना है कि दूसरा भी मुझे सुखी करना चाहता है, यहाँ पे थोड़े परसेंटेज में अभी भी डाउट है, वो कैसे करेगा, कॉम्पिटेंस तो कम है, मतलब ये रियलिटी तो समझ में आ रही है उसकी कॉम्पिटेंस कम है, इस वजह से शायद वो कर नहीं पा रहा होगा, फिर भी कुछ परसेंटेज में थोड़ा डाउट अभी भी बना है, इसको कैसे मैं वेरीफाई करूँ या समझू। देखिए इसको आप बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि हम जितना जितना अपने अंदर चिंतन बोध अनुभव की क्रियाओं को देख पाते हैं उतना मुझे दिखता है कि दूसरे में भी है ना, दूसरे का सुख भी यही है कि चिंतन बोध अनुभव में जागृत हो जाए, तो उसी का एक नेचुरल आउटकम है कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है। अभी नहीं हुआ है चिंतन में जागृत, इसलिए अन्यथा व्यवहार कर रहा है, चिंतन में जागृत हो जाएगा ऐसा ही करेगा, तो चाहने में कोई कमी नहीं है, चिंतन की क्रिया जागृत नहीं हुई है। तो जब हमको ये दिखता है कि दूसरे में भी वही क्षमता है जो मुझ में है, तो उससे हम ये भी निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि दूसरे की चाहना भी वही है ना, तो ये क्षमता दूसरे के अंदर चिंतन बोध अनुभव की है जैसे मुझ में है, मैं नहीं जागृत कर पा रहा था तो मैं दूसरे को दुखी करने का विचार कर रहा था, मैं जागृत कर पा रहा हूँ तो ऐसा विचार आता ही नहीं है ना, अनर्गल लगता है, अब एक बिल्कुल बकवास लगता है बात, क्यों मैं इस तरह से पहले विचार भी करता था, यही संभावना दूसरे में भी है। तो जब मैं अपनी चाहना को स्पष्ट रूप से देख पाता हूँ और दूसरा मुझे मनुष्य रूप में दिखाई दे ही रहा है तो दूसरे की चाहना भी स्पष्ट होती है। परंतु ये जो आपने बात कही, तो कई बार हमें अपने भी चाहना स्पष्ट ठीक से दिखाई नहीं देते, क्योंकि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ अगर मैं कह भी रहा हूँ तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या दूसरे की इच्छाओं को पूरा करते रहना ही दूसरे को सुखी करना है, क्या दूसरे के अनुसार चलना दूसरे को सुखी करना है, है ना, ये क्या है। तो अभी हमारे अंदर उलझन है, तो मैं दूसरे को सुखी भी करना चाहता हूँ ये तब स्पष्ट होता है जब दिखता है कि मेरा सुख चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना है और वही दूसरे का भी है। तो आप पाएंगे जब मेरा सुख चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना है और वही दूसरे का भी है तो प्रश्न अलग से बनता ही नहीं है कि मैं सुखी करना चाहता हूँ कि नहीं, देखता हाँ ये तो है ही, मैं नहीं देख पाता हूँ तो मैं दुखी रहता हूँ दुखी करने का विचार करता हूँ, मैं देख पाता हूँ सुखी रहता हूँ सुखी करने का ही विचार करता हूँ, वही अगला व्यक्ति भी है। एक एक्सपीरियंस है जो मैं
अभी रिसेंटली मेरे ऑफिस में अभी मतलब बस चेंज हो गया, तो उसने मेरी छुट्टी अभी था समर वेकेशन, उसने जो मैंने अप्लाई किया था वो चेंज कर दिया। तो मेरी विरोध की भाव था बीच में, फिर मैंने रियलाइज किया वो एक्सेप्टेंस में बदल गया, और एक्सेप्टेंस में जो बदला मैं एक्सेप्टेंस में ले लिया जो है ठीक है जैसा है मैं एडजस्ट कर लूंगा, जो एक हफ्ता आगे था एक वो पीछे हो गया, वो सारे चीजें मैंने चेंज किया और मैंने बाद में रियलाइज किया वो सारे मेरी काम में फिट बैठ गया। तो मेरी एक्सेप्टेंस की वजह से शायद वो विरोध की भाव भी कम हो गया और सारे चीजें भी चेंज हो गई। तो ये था मेरा भी महत्वपूर्ण बात है। देखिए इस एक्सेप्टेंस को भी देखना होगा। तो एक्सेप्टेंस हमारे अंदर समझ कर बने या बिना समझे बना। तो जैसे कई बार हम मान्यताओं के आधार पर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भाई जॉब में रहना है तो ये सब लगा ही रहेगा, कोई ना कोई शासन करेगा ही, है ना। इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कहाँ तक विरोध करोगे, और विरोध करोगे तो पता चला जॉब ही नहीं रहेगी। अब ये सब विचार करके हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये कोई समाधान नहीं है। एक्सेप्टेंस तब हमारे लिए समाधान है जब हमने समझ कर उसको स्वीकारा, तब वो दिखता है कि भाई चाहना ठीक है ना, योग्यता कर सकती है, मेरी योग्यता की भी कमी है, दूसरे की भी कुछ आवश्यकता होगी जो मुझे स्पष्ट नहीं है। अगर दूसरे ने मेरा समर वेकेशन कैंसिल किया है फॉर एग्जांपल, तो कुछ जरूरी काम हो, फॉर एग्जांपल अगर नैक की विजिट हो रही हो और फैकल्टी का रहना जरूरी है, बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो हम उतने फैल कर नहीं देख पा रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली कॉलेज में कुछ आवश्यकता बनी हुई है, फैकल्टी देख रहा है इसलिए मना कर रहा है। तो ये कंडीशन तो नहीं है आप जो बोल रहे हैं, उदाहरण के कह रहा हूं। तो समझ कर एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें तो मेरा सुख बना रहता है, मान कर करते हैं तो मान्यता बन गई अगर कोई, है ना, तो आगे दुख का कारण बन गया, हमने बीज बो दिया अपने अंदर उस मान्यता का। तो अभी तो हमने अपने आप को मना लिया, हाँ भाई ठीक है ऐसा चलो, बट जो मान्यता बन गई अब हम उस डिप्रेसिव थॉट के साथ ही चलेंगे। नमस्ते भैया, बढ़िया चल रहा है। तो अभी अभी कुछ देर पहले ये बात हुई कि प्रकृति में ये व्यवस्था बनी हुई है कि सब कुछ अच्छा ही चले, मतलब जो भी हो। कुछ देर पहले अपना हो रहा था कि जो भी हमारे डिजायर थॉट्स एक्सपेक्टेशंस है, ये पर्टिकुलरली आशाएं मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा रखने में मतलब इंसान को कुछ ये नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। क्या भैया ये सही है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो ज्यादा दुखी होगे, है ना। देखिए अभी ज्यादा कम का मुद्दा नहीं है, तो मुझे दिखता है कि प्रकृति में व्यवस्था बनी हुई है कि संबंध पूरक। वही पॉइंट पे मैंने हैंड रेस किया है, बराबर बोलिए ना भैया प्लीज। इससे पहले सुन लीजिए, तो ज्यादा कम का मुद्दा नहीं है, सही अपेक्षा रखेंगे तो एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल रखेंगे। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं धरती का हर मानव समझदार जिम्मेदार हो जाए, इससे ज्यादा क्या होगा। नहीं नहीं ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया आप जो बोल रहे हैं, लेकिन हर मानव ने कुछ अपेक्षा रखना ही चाहिए क्या, ये जरूरी है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। वो सहज है, होती है। तो हम चाहते हैं कि धरती का हर मानव सुखी हो, परिवार का हर व्यक्ति सुखी हो, है ना। जहाँ पे अभी धरती बचेगी कि नहीं बचेगी इस पर प्रश्न चिन्ह है, बट आशा तो यही है कि धरती का हर मानव सुखी हो, हर व्यक्ति तक सही शिक्षा संस्कार पहुंचे। तो एक्सपेक्टेशंस कम करने की बात नहीं है, सही एक्सपेक्टेशन को पहचानने की और उसको पूरा करने की विधि को देख पाने की जरूरत है। जी भैया, हम एक्सपेक्ट भी करेंगे, है ना। उसके परिवार को एक सदस्य नहीं समझ पा रहा, ठीक, हम एक्सपेक्टेशन तो बना के रखते ही है कि समझेगा, बिल्कुल योजनाकार को बनाते रहते हैं, बट ये जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे इस प्रयास से इतना फल आना चाहिए, यहाँ फंस जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ, हाँ भैया, उसके साथ साथ ये भी जो अपना पहला शुरुआत हमने जहाँ से की है कि प्रकृति में तो सब अच्छा होने की व्यवस्था बनी हुई है, ये तो हमारा जानना हो गया, अभी मानना परखना, और अभी जानने पे आ गए हम कि हम कुछ भी कर ले प्रकृति में अच्छा करने की व्यवस्था अपने आप है, क्या ये हमारा जानना गलत है। कोई अब अच्छा किसे कह रहे हो समझना होगा। हाँ अच्छा अच्छा राइट। नहीं, व्यवस्था जो बनी है प्रकृति में, अभी आज का जो डिस्कशन है वही चल रहा है कि प्रकृति में वो एक क्या बोलते हो है सिस्टम, कि जो भी जैसा अभी कुछ देर पहले भैया ने बताया कि जो कुछ गलत हो रहा है वो भी उनको फिर बाद में सही लग रहा है, ऐसा हर आदमी को लगता है ना। तो क्या हम मतलब अपेक्षा जो है वो बिल्कुल क्या सही अपेक्षा रखना, इतना ही अपना ये डिस्कशन का आंसर है, बराबर है ना। जी भैया बिल्कुल बराबर नहीं है, आप सुन भी नहीं पा रहे, रुक जाइए। तो ऐसा है कि हमें प्रकृति की व्यवस्था को समझने की जरूरत है। हाँ, हमें
सुनिए, प्रकृति में संबंध बना हुआ है, व्यवस्था बनी हुई है, पूरे अस्तित्व में सहअस्तित्व बना हुआ है, ठीक। ऐसे हर चैतन्य इकाई देख सकती है, समझ सकती है, ये क्षमता भी हर चैतन्य इकाई में है जी भाई। तो मुझे सारा स्पष्ट होता है। अब मेरी अपेक्षाएं इसी आधार पर होती है। अच्छा, मतलब प्रकृति के जो भी कुछ अपने को दिख रहा है उसी के आधार पे हमारी अपेक्षा बनते जाती है। तो अपेक्षाएं मेरी निश्चित होती जाती है जी, ज्ञान के आधार पर मेरी अपेक्षा निश्चित हो जाती है, उससे पहले मेरी अपेक्षा अनिश्चित रहती है जी। जी भैया, मतलब जितना जितना हमको जानना बढ़ेगा या हमारा ज्ञान विजडम जो भी है बढ़ता रहेगा, फिर हमारी अपेक्षाएं सही होती रहेंगी। हाँ, अभी मैं ठीक हूँ भैया जी, अभी जी, ठीक। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, ओके ओके बाय। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो बोध है वो स्वयं में होता है, जिसकी अभिव्यक्ति संकल्प के रूप में होती है ना भैया, तो उसका जो बल है वो जी गति गति बनती है, अभिव्यक्ति नहीं गति बनती है। अच्छा, और भैया उसका जो बल है बोध का वो बुद्धि है और शक्ति रितंबरा है, तो बल और शक्ति में एक तो अंतर नहीं समझ पा रही हूँ, और बुद्धि और रितंबरा भैया थोड़ा प्लीज कर पाएंगे? इसलिए बहुत सारे शब्दों को लाए नहीं है ना, अभी तो हम व्यवस्था को देखने का काम करें, तो अभी क्या इन शब्दों को ले आते हैं ना, तो पहले अभी व्यवस्था स्पष्ट ना हो फिर हम शब्द ले आते हैं तो और कठिनाई होती है। तो संक्षेप में अगर देखें तो ये जो बोध है वो हमारे अंदर स्थापित होता है, स्थिति है, तो अगर हमारे अंदर स्थापित होता तो मेरे अंदर कोई बल है तभी तो ये स्थापित हो पा रहा है ना, तो उसको बुद्धि नाम दे दिया। मैं संकल्पित होता हूँ ये गति है, गति हो रही तो मेरे अंदर कोई शक्ति है तभी तो गति कर पा रहा हूँ ना, उसको रितंबरा नाम दे दिया, इतना ही बस है। बस इन शब्दों को अभी रखें है ना, क्रिया को देखें, क्रिया को देखें तो यहाँ से बात बनेगी जी। ठीक है भैया, नमस्ते। तो उसको जब हम अपनी क्रियाओं के स्तर पे देखते हैं तो एक स्थिति बन सकती है जो अभी जैसे हमारी हो सकती है कि सुबह जो ब्लॉक B2 के जो क्रियाएं हैं बस वही एक्टिव है ना, तो जिस पर उन्होंने पहले भी बात की थी, तो अनियंत्रित कल्पनाशीलता चल रही है, मान्यताओं के दबाव में, संवेदनाओं के दबाव में, तुलन की दृष्टियां अनियंत्रित हैं, आस्वादन अनियंत्रित है, और अभी ऐसा जीना हो रहा है, सह स्वीकृति मगर बनी हुई है, तो अभी मान्यता या संवेदना के आधार पर जीने जाते हैं तो ऐसी स्थिति बनी रहती है। बट अभी हम जो काम कर रहे हैं कि ब्लॉक B1 को एक्टिवेट कर पाए, उसका पोटेंशियल बना हुआ है ना, उसको एक्टिवेट करने की बात है, इसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं जी। भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। एक्टिव हो जाता तो ऐसा दिखाई देता है, तो मतलब स्लाइड में तो एक ही बार में एक्टिव हो गया मगर जीने में तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो चिंतन की क्रिया क्रमशः जागृत होती जाती है, बोध की क्रिया जागृत होती जाती है, किसी पॉइंट पर पहुंचकर हमारा इतना विकास जब हो जाता है कि अनुभव के लिए तैयारी हो जाती है तो अनुभव कर पाते हैं, पूरे अस्तित्व को सहअस्तित्व रूप में देख पाते हैं, तो ज्ञान की स्थिति बनी, ब्लॉक B1 एक्टिव हो गया, ये पांचों क्रियाएं जागृत हो गई है ना, ये ज्ञान की स्थिति है जी। नेक्स्ट भैया क्लिक करिएगा। तो चिंतन की वस्तु क्या है कि संबंध की स्पष्टता हो जाए, स्वभाव की स्पष्टता हो जाए, यानी अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी की स्पष्टता हो जाए, ये चिंतन की वस्तु है जी। नेक्स्ट बोध की वस्तु के रूप में देखें तो प्रकृति का जो हर एक अवस्था का स्वयं व्यवस्था है, धर्म है, उसका जो सत्व है, जो स्वयं व्यवस्था है वो दिख जाना, ये बोध है जी। नेक्स्ट और अनुभव की वस्तु के रूप में देखें तो सहअस्तित्व दिख जाए, संपृक्तता दिख जाए, पूरी प्रकृति किस प्रकार व्यवस्थित है शून्य में बनी रहते हुए, ये मुझे दिख जाए, इसको अनुभव का जी। नेक्स्ट कहिएगा। तो ये स्थिति बनती है, इस पर हम लोगों ने डायग्राम को सामने रखकर पूरे विस्तार से चर्चा भी की थी, किन्हीं को अगर इसमें कोई शब्द स्पष्ट ना हो तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, उनको हम सुन सकते हैं। तो जागृत मैं की स्थिति क्या बनती है वो सामने है, तो हमारे अंदर सहअस्तित्व का अनुभव हुआ,
उसके आधार पर प्रमाण ये मिला कि इस अस्तित्व के अनुभव के साथ अब मुझे स्वयं में क्रियाशील होना है। उसके साथ मेरा बोध पूरा हुआ, जो प्रकृति की व्यवस्था भी हमें दिखाई दे रही थी, इस संपृक्तता के अनुभव के साथ पूरी तरह से स्पष्ट हो गई प्रकृति की व्यवस्था। तो वैसा ही मेरी कल्पनाशीलता में निर्णय हुआ संकल्प के स्तर पर, तो मुझे अब भागीदारी पूरा स्पष्ट हो गया। ये हुआ तो मेरी नीचे की जो क्रियाएं हैं ब्लॉक B2 की, अब इसी आधार पर निश्चित हो गई, नियंत्रित हो गई। अब मेरे अंदर कोई अनर्गल भाव विचार नहीं बनता, जो भाव विचार होता है संबंध के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, शास्त्रीय के अर्थ में होता है। तो मेरे अंदर जो विचार में तुलन की क्रिया थी, अनियंत्रित थी, प्रियहित लाभ के अर्थ में, वो न्याय धर्म सत्य के अर्थ में, यानी संबंध व्यवस्था और शास्त्रीय के अर्थ में नियंत्रित हो गई। जो अभी रुचि मूलक आस्वादन के लिए मैं भागा रहता था, इधर उधर भागता था, अब ऐसा नहीं रहा। अब मुझे लक्ष्य का आस्वादन हर क्षण होता रहता है, मुझे भाव का आस्वादन, मूल्य का आस्वादन हर क्षण होता रहता है, उसके साथ में संवेदनाओं का आस्वादन करता हूँ, तो संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती हैं, तो मेरा व्यवहार, कार्य, भागीदारी निश्चित नियंत्रित हो जाता है जी। नेक्स्ट स्लाइड भैया। तो अनुभव की वस्तु क्या है? सहस्तित्व। व्यवस्था की वस्तु क्या है? बोध की वस्तु क्या है? व्यवस्था, पूरकता। चिंतन की वस्तु क्या है? व्यवस्था में भागीदारी। तो ये अपने को स्पष्ट रूप में दिखाई दे, जो हमने बात किया चिंतन बोध अनुभव में जागृत हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? तो व्यवस्था में भागीदारी स्पष्ट रूप से पूर्णता में दिख जाए, प्रकृति की व्यवस्था पूर्णता में दिख जाए, तो जैसा वैसा दिख जाए, तो ये दिखाई देता है। वन और टू में क्या आता है? पावर में, पावर में शब्द के रूप में देखें जी, तो वन में प्रामाणिकता रख सकते हैं, एक शब्द है प्रामाणिकता, टू में रितंभरा रख सकते हैं। ओके जी, जी भैया स्पष्ट हो गया भैया? इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया उसको? इंग्लिश में अगर रखना हो आप लोग को, तो जैसे ऑथेंटिसिटी रख सकते हैं, और रितंबरा के लिए कोई शब्द मुझे लगता है अभी ध्यान में नहीं है, है ना? तो इंग्लिश में कोई ऐसा शब्द जो इन दोनों क्रियाओं को इंगित करे, जो बोध संकल्प इंगित करे, वैसा कर सकते हैं। ओके जी। एक प्रश्न बना था मन में कि जैसे हम ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देखते हैं उत्क्रांति की, मटेरियल में भी चेंजेस होते जा रहे हैं, व्यवस्था में, मतलब काफी ओवर द पीरियड, बहुत ज्यादा कालावधि में धीरे धीरे हमारे मटेरियल यूनिट में भी बदलाव हुए हैं, ऐसा मानना है। एक थोड़ा सा इसमें सुधार कर दें, व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा, रूप और गुण में हो रहा है। हाँ, रूप और गुण में हो रहा है जी जी, और बिल्कुल सही। और हमारी हमारी जो समझ है या कॉन्शियसनेस है, उसके स्तर में भी बदलाव आ रहा है जी। तो इस दोनों का कुछ संबंध रहता है क्या, कि जैसे कुछ चीजें रूप और गुण, मतलब रूप और गुण में समाविष्ट हो जाए आगे जाके, जो पहले नहीं थी, या इसका दोनों का कुछ नाता रहता है क्या? देखिए, तो अगर हम वो चारों अवस्थाओं को देखें, तो रचना विरचना तो चली रही है पदार्थ अवस्था में, उससे रूप गुण में परिवर्तन होते रहते हैं जी, है ना? तो जो भी बाकी इकाइयां बनी हुई है, उनकी परस्परता में रचना विरचना जो हो रही है, स्वरूप गुण परिवर्तन होते रहते हैं जी। पदार्थ अवस्था में भी होता रहा है, प्राणावस्था में भी होता रहता है, वैसे हमारे शरीर में, पशु के शरीर में भी होता रहता है, और सेल्फ में देखें तो डेवलपमेंट हो रहा है। तो जी, अभी जैसे हमारे अंदर कुछ काम हो रहा है, ये जो हम सुबह ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इतने सारी चीजों को हम विश्लेषित कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपके शरीर में भी परिवर्तन हो रहा है, 40 साल पहले जैसा शरीर था वैसा नहीं है। और अगर हम पिछली पीढ़ी को देखें, तो ओवरऑल शरीर के बनावट में भी हो रहा है, और शरीर के जो अनुवांशिक गुण है, जीन्स है, उसमें परिवर्तन हो रहा है जी। तो जीन्स में देखें तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, म्यूटेशन वगैरह चलता रहता है जी। उसमें भी जो बनावट
प्रकृति की व्यवस्था के अनुकूल है वो बनी रहती है, इसमें लगता है कि अभी अनुकूलता नहीं है उसके लिए वो बदल जाती है। तो जैसे अभी हम जो सांस ले रहे हैं उसमें हवा में जो गैसेज हैं उसके अनुसार हमारे शरीर में रचना परिवर्तन हो रहा है। 100 साल पहले जो हवा की स्थिति थी उसके अनुसार एक तरह की रचना बनी हुई थी, तो सारी परिवर्तन भी हो रहे हैं। तो रूप और गुण में तो परिवर्तन हो ही रहा है, जड़ इकाइयों में और चैतन्य का विकास हो रहा है। जी जी। और ये है ना, उसके साथ देखेंगे संबंध बना हुआ है, व्यवस्था बनी हुई है, अस्तित्व बना हुआ है हमेशा से और हमेशा ही ऐसा रहेगा, परंतु उसके साथ रूप गुण में परिवर्तन होते रहते हैं। अभी हम लोग का शरीर देखें तो थोड़े अलग प्रकार के, अगर हम खूब खेतों में मशक्कत करें, सुबह 4 घंटे खेती करें, है ना, हल चलाएं, फावड़ा चलाएं, तो हमारे शरीर की बनावट एक तरह की होगी। जी जी। हम सुबह अगर 1 घंटा मोबाइल लेके बैठे हैं अलग तरह की बनावट होगी कि नहीं? जी भैया, जी भैया। एक मतलब मुझे मन में ऐसा सवाल आता है कि जैसे कुछ जब अस्तित्व का कुछ समय में अगर हम देखें तो सिर्फ जीवावस्था होगी, सिर्फ प्राणावस्था होगी, और फिर उसके जाके आगे हम अभी ये ह्यूमन ऑर्डर भी अस्तित्व में आ गई है। तो अगर हम ये काम करते रहे, जैसे सेल्फ में विकास, मैं में विकास होता रहे और उसके अनुसरण से हमारे बाकी चीजों में भी बदलाव आता जाए, तो कुछ और अवस्था भी आ सकती है क्या? मतलब ऐसा एक सवाल मन में आ गया जहाँ पे जैसे ये ह्यूमन ऑर्डर आ गया है तो ये विकास के गतिविधि में और भी कुछ ऑर्डर, मतलब ये सोच ही है मगर देखिए तो जी अब उसको थोड़ा देखें तो जड़ इकाइयां होंगी, चैतन्य इकाइयां होंगी, है ना जी, उसके अलावा अवस्थाएं होंगी। अभी भी देखें तो 4 ऑर्डर्स में बहुत सारी इकाइयां दिखाई देती हैं जो लगता है कि बीच में है, कभी इधर कभी उधर, जैसे पदार्थ और प्राण के बीच में कुछ चीजें दिखाई देंगी कि है ना, जैसे वायरस है एक तरह का है तो प्राणावस्था में, नहीं तो पदार्थावस्था में। कुछ इकाइयां दिखाई जिसमें कि मेधस की रचना शुरू तो हुई है परंतु विकसित नहीं हुई है आपको बहुत सारे, तो उनको प्राणावस्था में भी ये रख रहे हैं बट वो प्राणावस्था जीवावस्था के बीच में कहीं है, यानी थोड़ी सी और अनुकूलता हो जाए शरीर रचना में तो मेधस विकसित हो सकता है, और यदि मेधस विकसित हो गया तो कोई मैं अस्तित्व में आ सकता है। तो इस तरह की चीजें तो अभी भी है ना, चल रही है। हाँ। जी। और संभावना है ज्ञानावस्था में देखें अगर शिक्षा संस्कार की परंपरा धरती पर स्थापित हो जाए जी। तो इतना सारा जो अभी समय लग रहा है हमको जांचने समझने जीने में उसकी जरूरत नहीं बनेगी। बिल्कुल। कि नहीं? तो ये गतिशील है, मतलब ये चलता रहेगा और यहाँ अवरोहण आरोहण होते रहेंगे, मतलब ये अवस्था में। जी थोड़ा सा इसको फिर कल पिकअप करते हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल भैया। जी जी धन्यवाद भैया। जी भैया प्रश्न है उसको मैं जरा एक बार रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। तृष्णा जैसे शब्दों को भी रुचिमूलक आस्वादन में ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, तो रुचिमूलक आस्वादन में तृष्णा है। कैन वी कॉल कन्विक्शन फॉर डिटर्मिनेशन इन टू ब्लड? नहीं अभी तो अभी अपने आप से शब्द ना रखे है ना। कन्विक्शन एक अलग चीज है, अभी इसको यही देखें। तो इसलिए उन शब्दों को नहीं रखा गया क्योंकि बहुत सारे शब्द हो जाते हैं और फिर उससे जो मुख्य वस्तु है ध्यान देने की, संबंध व्यवस्था उससे ध्यान हट जाता है।